किला रोहतास 8 किलोमीटर है। आइए हमारे साथ रहिएगा, आपको मजेदार बताते हैं। अभी हम शेर शाह सूरी पुल पर खड़े हैं जो किला रोहतास की तरफ जाता है। यहाँ से किले रोहतास की जो वक्फा है वो तकरीबन 4.5 किलोमीटर है। मैं हूं आपका होस्ट यासीर जाजिया न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त शेर शाह सूरी के किले की दीवार के ऊपर खड़े हैं और यहां से आपको बैकग्राउंड का मंजर दिखाई दे रहा है। शेर शाह सूरी के म्यूज़ियम के बाहर खड़े हैं। ये महकमा आर्कियोलॉजी के ज़ेर अंडर है और इस महकमा ने उसकी जो शेर शाह सूरी की तारीखी चीज़ें हैं, टिम्बे, तलवारें और दीगर खंजर वगैरह, वो इसमें जमा करके रखे हुए हैं। आए हम को इसकी सैर कराते हैं। आप इस किले के बारे में हमें बताएं। ये किला शेर शाह सूरी, जिसका असल नाम गुलाम फरीद था, उसने तकरीबन 1541 में शुरू किया और 1545 में मुग़ल बादशाह जो हुमायूं था उसके खिलाफ इसको तामीर किया। इस किले का दूधरबा 175 एकड़ है, तकरीबन ये 6.5 मरबे बनता है और इसकी जो दीवारें हैं वो तकरीबन 35 से 40 फुट चौड़ी हैं और 100 से 150 फुट हाइट पर है। इसके अलावा किले की जो मेन बात है वो 12 खूबसूरत गेट हैं जो कि मुख्तलिफ नामों से मुंसलिक हैं, जैसे किसी दरबार वहाँ औलिया कराम का है उसके नाम से मशहूर है, या पुराने ज़माने में अगर आपका कश्मीर की तरफ रुके तो कश्मीरी गेट है, काबुल की तरफ काबली गेट है। इसके अलावा 12 गेट्स के अलावा 3 जो पानी के कुएं हैं जिनको हम आर्कियोलॉजी ज़ुबान में बावली कहते हैं, जिनमें सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाकर पानी पिया जाता है। इसके अलावा इसमें एक बादशाही मस्जिद भी है और इसके अलावा इसमें आप देख रहे होंगे इस पूरे फोर्ट में तकरीबन आपको कोई कमरे नहीं मिलेंगे, लेकिन दीवारों के अंदर तकरीबन 70-80 कमरे हैं जहाँ उनके फौज के सपा सलार या जो उनके अफसर थे वो रहते थे। तकरीबन आर्कियोलॉजी जो हमारी कह रही है वो 50,000 उसकी फौज एक एट अ टाइम इस किले के अंदर रहती थी, कैंपिंग में रहती थी। और इसके अलावा जब शेरशाह सूरी फौत हो गया और सूरी पीरियड ख़त्म हो गया तो दोबारा जब मुग़ल आ गए तो अकबर ने जो उसका एक वज़ीर था मान सिंह, उसने अपना हेडक्वार्टर यहाँ बनाया और 2 बिल्डिंग्स बनाई, एक अपने लिए और एक अपनी बहन के लिए जिसको हम मान सिंह की हवेली कहते हैं और दूसरी जो है रानी पैलेस है। इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है कि ये जो किला है बिल्कुल जो ओल्ड जीटी रोड थी गुजर रही थी उसके बिल्कुल किनारे पर बनाया गया है जो पेशावर से लेकर कलकत्ता जा रही थी, और उसी रोड को शेरशाह सूरी ने हर 10 कोस के फासले पर एक बावली बनाई, एक मस्जिद बनाई, ताजादम घोड़े रखे और एक सराह भी बनाया।
इसके अलावा शेरशाह सूरी का जो बड़ा कारनामा है, ये जो किला रोहतास है ये बिल्कुल ओल्ड जीटी रोड के किनारे पर बनाया गया है, जिसको उसके ने पेशावर से लेकर कलकत्ता तक उसको एस्टेब्लिश किया और हर 10 गोज के फासले पर, जिसको हम 10 मील कहते हैं, वहाँ पर उसने एक बावली बनाई लोगों के पानी पीने के लिए, एक मस्जिद बनाई, ताज़ा दम 2 घोड़े उसने रखे डाक के निज़ाम के लिए, और उसके अलावा सराएँ भी बनाई गई ताकि जो लोग आमदोरफ्त सफ़र कर रहे हैं उनको इसमें आसानी पैदा हो। इसके अलावा ये किला रोहतास से आप 25 किलोमीटर दूर चले जाएं तो वहाँ पर हिंदुओं का बहुत बड़ा मकाम है टिला जोगियाँ, जो तकरीबन 2000 साल पुरानी तारीख है इसमें, जिसमें वो हिंदुओं को अपने लोगों को मेडिटेशन कराते थे, जैसे आज ज़माने में हम डॉक्टर बनाते हैं, वहाँ मेडिटेशन कराते थे उनको, सन्यासी और जोगी बनाते थे ताकि वो लोगों का देसी इलाज कर सकें।